तो दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग होने वाली है, बड़ी खतरनाक अनबॉक्सिंग होने वाली है। वो कैसे, पहले ये कार देखिए और कार का पहले नाम देखिए, नाम से ही मेटल क्लाइंबिंग कार का नाम से आपको पता चल रहा हो कितनी खतरनाक कार होने वाली है ये। तो इसके करते हैं फटाफट से अनबॉक्स और आपको बताते हैं इसे अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है, कार कैसी है, चलने में कैसी है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ें अपन बताएंगे वीडियो में। तो पहले इसके करते हैं फटाफट से अनबॉक्स। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जो ये कार है 6+ एज वाले बच्चों के लिए है। तो इसमें अपन को खास चीज़ मिलती है कि जो इसके अंदर स्प्रे सिस्टम मिलता है ना, इसका वो चीज़ अपन को खास मिलता है इसमें। और इसका पावर भी बड़ा नेक्स्ट लेवल है, इसमें बता रखा है, इसमें देख सकते हो। और जिसको फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें रिमोट कंट्रोल तो मिलता ही मिलता है, एक इसमें स्प्रे सिस्टम मिलता है इसका, और इसमें 45 क्लाइंबिंग एंगल भी मिलता है इसमें, मतलब कि जो जो चढ़ाई वगैरह आती है उसमें आसानी से चढ़ जाएगी। और ऑफ रोड के लिए इसमें जो टायर यूज होते हैं वो इसमें दिए गए हैं। और इसमें मिलता है मल्टी डायरेक्शनल वॉकिंग, मतलब चारों तरफ चल सकती है, कैसे भी आगे पीछे लेफ्ट राइट, ठीक है। और इसमें लाइट भी मिलता है अपने को। मैं इसका अनबॉक्स करता हूँ, आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको बॉक्स को ओपन करता हूँ और इसके अंदर देखते हैं अपन को क्या क्या चीज़ें मिलती है इसके साथ, कार के साथ। ये देखो, मैं इसको करता हूँ अनबॉक्स फटाफट से। ये देखो गाइस, जितनी कार है ये इसका बॉक्स है। ये बॉक्स देखो ऐसा, इसका बॉक्स को तो करते साइड में। और ये देखो कार कितनी पावरफुल कार लग रही है, ये देख सकते हो। और इसका जो ये है, जो बॉडी है इसका, जो इसका बॉडी है पूरा मेटल का दिया गया है, ये देख सकते हो, पूरा मेटल का दिया गया है। और इसके जो टायर है ये बड़े तगड़े टायर है, ये देख सकते हो, काफ़ी मोटे टायर है ये। और इसका जो अलॉय व्हील चेक कीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं अलॉय व्हील। और ये देखो, और ये रहा इसका, देखो जो स्प्रे का सिस्टम है वो इसमें लगा है, ये देख सकते हो। एक वीडियो में बताएंगे कैसे क्या वर्क करता है ये, ठीक है। और ये देखिए, और इसमें सस्पेंशन भी दिया गया है इसमें, देखो ये देख सकते हो, इसमें छोटी छोटी स्प्रिंगें लगी है ना, इसका सस्पेंशन का काम करती है, शोकर का काम करती है, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है। और ये रहा इसका रिमोट देखिए, ये रहा इसका रिमोट। और क्या क्या मिलता है इसके अंदर से, और हाँ गाइस ये देखिए, ये इसके अंदर से, इसके अंदर एक पाउच मिलता है, पाउच के अंदर इसका एक तो ये बैटरी है, ये कार का बैटरी है। और ये रहा इसका जो पानी, इसके अंदर पानी भर के इसके अंदर डालेंगे अपन, ये इसका है, ठीक है। और ये मिलता है अपन को एक चार्जर का केबिन मिलता है, यूएसबी बैटरी को ऐसे लगा के और चार्ज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और ये दो बैटरियाँ एक्स्ट्रा और मिलती है जो अपन रिमोट में डाल के, ये अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि जो बैटरी अभी रिमोट की बैटरी अभी इसके साथ आई है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर लगा के चेक करता हूँ बैटरी वगैरह कैसे ये चलती है, चेक करते हैं। ये मैंने बैटरी लगा दी, ये देखो ऑन हो गई, देख सकते लाइट जो ब्लिंक करने लगी है, लाइट देख सकते हो, इसमें RGB लाइट लगी है। चलो रिमोट के अंदर डालते हैं सेम। और तो दोस्तों, आपको अनबॉक्सिंग अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखो, कार अपनी चालू हो गई है, ये देख सकते हो, ये देखो, तो गाइस ये गाड़ी अपनी चलने के लिए रेडी है। अब इसको बाहर चला के चेक करते हैं, यहाँ तो मज़ा नहीं आएगा इसको। और इसका अपन रोड में भी चला के चेक करेंगे, और इसका लोड कैपेसिटी भी चेक किया जाएगा, और इसका पावर भी चेक किया जाएगा, सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो इसको लेके चलते हैं बाहर। तो दोस्तों, अपनी जो कार है उसको लेके आ चुके हैं अपनी ऑफ रोड के एरिया में, ये देखो अपना ऑफ रोड का एरिया, ठीक है। तो इसमें चलाएंगे और चला के चेक करते हैं कैसे क्या चलती है, ठीक है। मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से इसको ऑन करेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने पानी डाल दिया है इसमें, ये देखो यहाँ इसमें डलता पानी, इसमें पानी डाल दिया है जो स्प्रे करेगी पीछे से, ये देखो मैं चला के दिखाता हूँ, ये देखना जो स्प्रे वाला बटन है ये रहा, ये देखो दिख रहे होगा, दिख रहा है ना, ये देखो, ठीक है। और अब इसको चला के चेक कर दे नीचे एक बार, इसका स्पीड चेक करेंगे, स्पीड कैसा है इसका। तो दोस्तों, अपन ने चला दिया ये कार को, और ये कार चलते ही इसने अपना अच्छा खासा स्पीड पकड़ लिया है। और जो इसमें सबसे अच्छी बात लग रही है वो देखो, इसका जो पीछे जो स्प्रे सिस्टम है इसका, जो ये स्मोक छोड़ते हुए जा रही है, ये एकदम ऐसे लग रहा है रॉकेट बूस्टर की तरह लग रही है ये चीज़। और ये देखो, मैं इसको वापस से घुमा के चेक करवाता हूँ, ये देखो अब देखना, ये देखो ऐसे ऐसे लग रहा है रॉकेट बूस्टर की तरह लग रही है,
पीछे से। और इस वाली कार में और जो आपने पहले जो रोक रोड कार थी उसमें डिफरेंट ये है कि जो इसमें ना एक मेटल मेटल बॉडी मिलता है और दूसरा इसमें टायरों का साइज़ थोड़ा बड़ा मिलता है अपने को। और इसका और इसमें इसमें जो इसका स्प्रे सिस्टम है वो भी देख देख सकते हो। ये देखो कितना मस्त लग रहा है, कितना तगड़ा लग रहा है स्प्रे सिस्टम। और स्प्रे सिस्टम ऐसे काम करता है, मैं जिसको आगे की ओर ले जाता हूँ ना कार को, तभी ये पीछे की तरफ स्मोक छोड़ती है। ये देखो, और इसका स्पीड भी अपने को अच्छा खासा मिलता है इस कार का। और जो छोटे मोटे कंकर पत्थर है इस पर आसानी से चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं उसी को चलने में यहाँ पे, ठीक है। करते हैं इसका ग्राउंड क्लीयरेंस चेक करते हैं इस कार का। और ये देखो थोड़े बारिश की वजह से बाइक के जो टायर के निशान हो रखे हैं तो उनमें चला के चेक करते हैं इस कार को। और ये देखो थोड़ा फंस चुकी है यहाँ पे, इसके टायर पीछे वाले स्लिप हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा गड्ढा थोड़ा बड़ा है इसके लिए। तो लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इसको निकालने की यहाँ से। ये देखो मैं फुल कोशिश कर रही हूँ, पूरा पावर लगा रही है कार अपना निकलने के लिए, फुल कोशिश कर रही है। ये देखो फिर, और ये निकल गई है कार, ये देखो कार अपनी निकल चुकी है। तो इसमें पावर भी अच्छा खासा मिलता है अपने को। ये देखो फिर से फंस गई, फिर से एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं यहाँ। ये देखो कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े मस्त तरीके से निकल जाती है ये कार। तो गाइस अब करते हैं इसका असली वाला ऑफ रोड टेस्ट करते हैं, और इसको अपन चलाएंगे जो ये पत्थर दिख रहे हैं, जो छोटे मोटे पत्थर हैं, छोटे मोटे तो नहीं कह सकते इसके लिए, तो बड़े पत्थर हैं ये देख सकते हो। तो यहाँ चला के चेक करते हैं। ये देखो यहाँ भी कोई इसको दिक्कत नहीं होती चलने में, बड़े मस्त तरीके से चल रही है। और यहाँ जो छोटे मोटे पत्थर हैं इनके ऊपर से आसानी से निकल जाती है। ये देखो, और ये देखो थोड़ा फंस गई है, फिर से इसको फुल थ्रॉटल देते हैं। ये देखो फिर से चल रही है। और इसका जो पीछे वाला स्पेस सिस्टम है ये बड़ा तगड़ा लग रहा है इसका, और ये देख सकते हो। ये देखो थोड़ा इसका बैटरी भी डाउन हो गया जिससे इसको पावर इतना नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी यहाँ मस्त तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो इसको चलने में। ये देखो इस को फिर से इसको वापस लेके आते हैं इसी, और ये देखो जो छोटे मोटे पत्थर हैं कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ चलने में। और ये ऑफ रोड के लिए भी कार है, ये देख सकते हो गाइस। और ये देखो अब बारी आती है इसका लोड कैपेसिटी चेक करने के लिए। लोड कैपेसिटी चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले छोटे वाला ईंट का टुकड़ा लेंगे, इसको रखते हैं इसके ऊपर, और अब चला के चेक कर इसका लोड उठा पाती है नहीं उठा पाती। तो थोड़ा गिर गई लेकिन उठा तो लिया इसने लोड। एक बार फिर से दोबारा से रखते हैं कितना दूर तक जाती है ये चेक करते हैं। और ये मैंने रख दिया इसके ऊपर, और अब इसको मैं देता हूँ फुल थ्रॉटल। और ये देखो इसका वेट आसानी से उठा लिया इसने। अब क्या करेंगे अपन, करेंगे बड़े वाला जो ईंट है पूरा ईंट रख के चेक करेंगे इसके ऊपर। ये मैंने इसको रख दिया है, थोड़ा बैलेंस नहीं हो रहा, बैलेंस को बनाने के लिए इसको सेंटर में रखते हैं इसको। ये देखो थोड़ा टायर के टच हो रहा है ईंट, तो इसको फिर से दोबारा सेट करते हैं। हाँ अब सही है, अब चला के चेक करते हैं इसको। ये देखोगा तो गाइस अपनी जो कार है जो पूरा कोशिश कर रही है इसे चलने के लिए, लेकिन चल नहीं पा रही क्योंकि थोड़ा इसमें ये भी है कि जो बैटरी है वो भी थोड़ा डाउन हो चुका है, काफ़ी देर हो गई अपने को चलाते हैं इसको, थोड़ा बैटरी डाउन होगा। मैं धक्का लगाता हूँ, ये देखो फिर भी नहीं चल रही कार अपनी, तो शायद ऐसे बोल सकते हैं बैटरी भी डाउन हो सकता है, क्या पता इसमें पावर भी नहीं इतना कि जो ये जो इस सीट को उठा सके। ठीक है दोस्तों अब चलाते हैं इसको रेत में, रेत में देख सकते हो बड़े मस्त तरीके से चल रही है। बस थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही है कि जिसके टायर हैं जो रेत में थोड़े फंस रहे हैं, इसकी वजह से इसको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मस्त तरीके से चल रही है कार अपनी। तो आपने इसका लोड कैपेसिटी भी देख ही लिया, और इसका जो ऑफ रोड में कैसे क्या परफॉर्म की थी वो भी आपने देख ही ली, और इसका जो स्पीड है वो भी आपने देख ही लिया। तो सारी चीज़ें अपने को अच्छी मिलती है इस कार में। और जिसको भी ये कार चाहिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो और वो कार खरीद सकते हो। और इसका एक बार नाइट व्यू देखते हैं, नाइट व्यू में ही देखिए जो इसका स्प्रे सिस्टम है, बड़ी बड़ा ही मस्त लग रहा है इसका स्प्रे सिस्टम। और जो इसमें जो लाइट लगाए नीचे, इसका लाइट लगाए RGB लाइट लगाए, वो भी बड़ा प्यारा है। और इसका जो स्प्रे सिस्टम है वो एकदम ऐसे लग रहा है रॉकेट बूस्टर की तरह लग रहा है, वो देख सकते हो आप। ये देखो बड़ा प्यारा लग रहा है ये, और अपनी कार भी बड़ी प्यारी है। तो दोस्तों जो अपनी ये कार है ये बड़े मस्त तरीके से चली है ऑफ रोड में भी, और जो अपन ने इसका स्पीड चेक किया उसमें भी, और इसका जो लोड कैपेसिटी है जो उसमें भी मस्त तरीके से चली है ये कार। और हाँ दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, जो इसका जो फ्रेम है ये पूरा फ्रेम है, ये पूरा अपन को मेटल का मिलता है, जो पूरा फ्रेम है ये मेटल का मिलता है। और इसका जो स्प्रे सिस्टम है वो भी बड़ा मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, जो इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत अच्छा मिलता है, अभी भी वर्क कर रहा है ये देख सकते हो। तो ये कार बड़ी मस्त है। तो आपको भी चाहिए कार तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।